हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 50 ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आपके इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं 50 इंग्लिश सेंटेंसेस। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं वहाँ जाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। फिर जैसे आपके पास में ही कोई दूसरा बैठा है, वो आपको जैसे बोलता है कि मैं आपसे ज़्यादा उत्साहित हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कि आई एम मोर एक्साइटेड देन यू, यानी मैं आपसे ज़्यादा उत्साहित हूँ। आई एम मोर एक्साइटेड देन यू। नेक्स्ट है, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ऐसे भी हम बोलते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हम वहाँ कुछ समय बिताएंगे। वी विल स्पेंड सम टाइम देयर। वी विल स्पेंड सम टाइम देयर। नेक्स्ट है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। I want to spend some time with you. Next है, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय साथ बिताने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम बोलेंगे I think we need to spend more time together. I think we need to spend some more time together. Okay? Next है, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? Are you coming with us? Are you coming with us? नेक्स्ट है, माफ़ करें मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी आई एम बिजी आई कांट कम। सॉरी आई एम बिजी आई कांट कम। ओके, नेक्स्ट है, कल के बारे में क्या ख्याल है? जैसे कि अभी हमने आंसर दे दिया कि आज तो मैं बिजी हूँ, फिर अगर हमें ये पूछना है कि ठीक है तुम्हारा कल के बारे में क्या ख्याल है, तो इसके लिए हम बोलेंगे हाउ अबाउट टुमारो। हाउ अबाउट टुमारो, यानी कल तो तुम फ्री हो, कल अगर फ्री हो तो हम क्या हम चल सकते हैं, तो इसके लिए हम इस तरह से पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ अबाउट यू। ठीक है, तो इसके दो है वो अर्थ निकलते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी को पूछना है कि आप कैसे हैं, तो इसके लिए भी हम बोलते हैं कि हाउ अबाउट यू। और अगर हम जैसे बैठे हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और हम दूसरे को ये पूछना चाहते हैं कि भाई आपका क्या ख्याल है जाने के बारे में, ठीक है इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उसके लिए भी हम उससे पूछेंगे कि हाउ अबाउट यू, कि भाई हम तो जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, आप भी चल रहे हैं क्या, तो उसके लिए भी हम इसी तरह से पूछेंगे। ठीक है, फिर जब हमें ये बोलना है कि नहीं मैं भी बिज़ी हूँ, जैसे पहले ने बोल दिया कि मैं बिज़ी हूँ और आपको बोलना है कि नहीं मैं भी बिज़ी हूँ, तो उसके लिए आप बोलेंगे कि आई एम बिज़ी टू, यानी मैं भी बिज़ी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, यह तुम्हारा नहीं है। इट्स नॉट योर्स। इट्स नॉट योर्स। नेक्स्ट है, क्या यह आपका है? इज दिस योर्स। इज दिस योर्स। कि किसी भी चीज़ के बारे में हम नहीं जानते कि किसका सामान रखा है, तो उसके लिए हमें पूछना है, तो हम उसके लिए यही पूछेंगे कि इज़ दिस योर्स, कि क्या ये सामान आपका है। नेक्स्ट है, वापस मत आना। डोंट कम बैक। डोंट कम बैक। नेक्स्ट है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू टीच मी। डोंट ट्राई टू टीच मी। नेक्स्ट है, वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर। Don't go there. Next है, यह अच्छा है। This is good one. This is good one. जैसे हम देखते हैं बहुत सारे सामान होते हैं, उसमें से हमें पसंद आता है कि नहीं ये वाला अच्छा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि this is good one. Okay? Next है, उसने कल मेरा पेन लिया था। He borrowed my pen yesterday. He borrowed my pen yesterday. Next है, पर उसने आज मेरे मुंह पर ही इनकार कर दिया, यानी कल उसने लिया था पर आज उसने इनकार कर दिया कि मैंने भी तुम्हारा पेन नहीं लिया, तो उसको हमें इंग्लिश में बोलना है, तो हम बोलेंगे बट टुडे ही जस्ट डिनाइड इट ऑन माई फेस, यानी लेकिन आज उसने मेरे मुंह पे ही मना कर दिया कि उसने मेरा पेन नहीं लिया।
वह कहता है कि उसके पास कोई पेन नहीं है. ही सेज दैट ही डजंट हैव एनी पेन. ही सेज दैट ही डजंट हैव एनी पेन. नेक्स्ट है, मुझसे गलती हो गई. आई मेड ए मिस्टेक. आई मेड ए मिस्टेक. नेक्स्ट है, देखते हैं कौन झूठ बोल रहा है. लेट्स सी हु इज लाइंग. लेट्स सी हु इज लाइंग. नेक्स्ट है, वह कमरे से बाहर चला गया. ही रस्ट आउट ऑफ द रूम. ही रस्ट आउट ऑफ द रूम. नेक्स्ट है, आपका धन्यवाद. आपने अपना वादा निभाया. थैंक यू सो मच यू कैप्ट योर प्रॉमिस. थैंक यू सो मच यू कैप्ट योर प्रॉमिस. नेक्स्ट है, मैं थक गया हूँ. आई एम एग्जॉस्टेड. आई एम एग्जॉस्टेड. नेक्स्ट है, टीचर ने पूछा कि मुझे देर क्यों हुई. द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वॉज लेट. द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वॉज लेट. नेक्स्ट है, मेरे आने तक यहीं रुको. वेट हियर टिल आई कम. वेट हियर टिल आई कम. नेक्स्ट है, क्या आप उससे नाराज है. आर यू एंग्री विद हर. आर यू एंग्री विद हर. नेक्स्ट है, तुम भिखारी पर क्यों हंसे. व्हाई डिड यू लाफ एट द बैगर. व्हाई डिड यू लाफ एट द बैगर. नेक्स्ट है, वह स्टेशन पहुंच गया. ही रीच्ड द स्टेशन. ही रीच्ड द स्टेशन. नेक्स्ट है, उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी. हाउ वॉज हर रिस्पॉन्स. हाउ वॉज हर रिस्पॉन्स. नेक्स्ट है, क्या आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की. डिडंट यू ट्राई टू कन्वेंस देम. डिडंट यू ट्राई टू कन्वेंस देम. नेक्स्ट है, ठीक है कल तुम उनके साथ जा सकते हो. ओके टुमारो यू कैन गो विद देम. ओके टुमारो यू कैन गो विद देम. नेक्स्ट है, क्या आप उस ऑफिस में काम करते हैं. आर यू वर्किंग इन दैट ऑफिस. आर यू वर्किंग इन दैट ऑफिस. नेक्स्ट है, सफलता उसके सर पे चढ़ गई है. तो इसके लिए हम बोलेंगे सक्सेस हैज गॉन टू हिज हेड. सक्सेस हैज गॉन टू हिज हेड. नेक्स्ट है, आप एक घंटा देर से हैं. यू आर लेट बाय एन आवर. यू आर लेट बाय एन आवर. नेक्स्ट है, यह सामग्री टिकाऊ लगती है. दिस मटेरियल अपीयर्स ड्यूरेबल. दिस मटेरियल अपीयर्स ड्यूरेबल. नेक्स्ट है, मैंने तुम्हारी बुक नहीं देखी. आई हैवंट सीन योर बुक. आई हैवंट सीन योर बुक. नेक्स्ट है, उसे यह खिलौना बहुत पसंद है. ही इज फॉन्ड ऑफ दिस टॉय. ही इज फॉन्ड ऑफ दिस टॉय. नेक्स्ट है, आप क्यों तकलीफ करते हैं. तो इसके लिए हम बोलेंगे प्लीज डोंट बोदर. प्लीज डोंट बोदर. नेक्स्ट है, इसमें तकलीफ कैसी. तो इसके लिए हम कहेंगे नो ट्रबल एट ऑल. नो ट्रबल एट ऑल. नेक्स्ट है, लेकिन इसे ले जाना बहुत भारी है. तो इसके लिए हम बोलेंगे बट इट्स टू हैवी टू कैरी. बट इट्स टू हैवी टू कैरी. यानी कई ऐसे सामान होते हैं, लगेज होता है कि हमें उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है, तो उठा के ले जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. तो उसके लिए हम ये सेंटेंस है जो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है, मेरी फिक्र ना करें. डोंट वरी अबाउट मी. डोंट वरी अबाउट मी. नेक्स्ट है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प. थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प. नेक्स्ट है, हम आपके आभारी हैं. वी आर ग्रेटफुल टू यू. वी आर ग्रेटफुल टू यू. जब हमारी कोई मदद करता है तो उसको हम इस तरह से थैंक्स है वो बोल सकते हैं. नेक्स्ट है, औपचारिक मत बनो. डोंट बी फॉर्मल. डोंट बी फॉर्मल. नेक्स्ट है, गर्मी से मेरा सर चकरा रहा है. द हीट हैज मेड मी गिडी. द हीट हैज मेड मी गिडी. नेक्स्ट है, वह कमरे में आ रहा है. ही इज कमिंग इन टू द रूम. ही इज कमिंग इन टू द रूम. नेक्स्ट है, सब सामान्य व्यवहार करो. एवरी वन बिहेव नॉर्मली.
एवरीवन बिहेव नॉर्मली। ये सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जैसे हम बैठे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और हमें ये बात है जो आ रहा है उसको नहीं बतानी है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना एक दूसरे को कि नहीं सब नॉर्मली बिहेव करो, ताकि उसे बिल्कुल भी फील ना हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तब हम यही सेंटेंस है जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ज़रा हाथ लगाना या ज़रा मदद करना, इस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लैंड मी ए हैंड प्लीज़, लैंड मी ए हैंड प्लीज़, यानी ज़रा हाथ लगाना। तो ये थे हमारे ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम डे टू डे लाइफ में है वो रोज़ बोलने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और इसी तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो है आपके पास और आते रहे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।